Today we have to start the basic chemistry. This topic is very important for all the students. ये topic सभी के लिए बहुत important है. Basic हम शुरू कर रहे हैं. That is जो basic laws है chemistry के, basic जो main जो base है, root है chemistry का, वो हम इसमें बताएंगे. और ये लगभग 20 lectures आपको मिलेंगे. ये जो बेसिक लेक्चर्स है ये सभी को देखने चाहिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एनटीएससी स्टूडेंट हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेडब्ल्यूई के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, और विशेष तौर से उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी 11th क्लास में आए हैं. बेसिक केमिस्ट्री आपने इसमें सबसे पहले पढ़ना है. व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? तो साइंस क्या है? साइंस एक ब्रांच है. That is the branch of knowledge. Science is a branch of knowledge that gives the answer of why. जो हमें किसका answer देगी? Why का answer देती है. That branch is known as science. जैसे हमने इसको ऊपर उछाला, नीचे आया, क्यों आया? इसका answer कौन देगा बेटा? Science. Science की basic branches होती है physics, chemistry, biology. Basic branches. तो we have to start the chemistry. हम आपको बताएंगे chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with the study of structure and composition of matter. Chemistry branch है जिसमें हम study करेंगे structure and composition of matter. किसकी study करेंगे? Matter. ये आप पढ़ चुके हो वैसे तो 9th-10th में, लेकिन basic से हम start कर रहे हैं आज. What is matter? Matter क्या है? Anything that occupies space, possesses mass and can be felt by our senses, that is known as matter. दुनिया में कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास रखती है, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो हो गया हमारे लिए मैटर. मैटर की देन क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में गिवन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर इज डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये चीजें आपको सबको आती है. सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, क्या इनका टेम्परेचर है, क्या प्रेशर के ऊपर कोई चीज सॉलिड लिक्विड होती है. ओके. केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर में हम स्टडी करते हैं बेटा एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्योर में हम स्टडी करते हैं किसका? मिक्सचर. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ये आपको 9th में सब कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने. व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर. मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर. मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी टर्म्स आपको आती हैं, और इनको आप एक बार अच्छे से अपने नोट्स सेल्फ खुद ही प्रिपेयर करिए. अब हम आपको मेन टॉपिक पे लेके जाते हैं. कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. 2 टाइप्स हम सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं. वन इज द प्योर सब्सटेंस, एक हमारे पास है प्योर सब्सटेंस, एंड द सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड. ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? मिक्सचर. एक्चुअली जो केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे आप देखोगे वो स्टडी है इसकी, प्योर सब्सटेंसेस की. इम्प्योर मतलब मिक्सचर की स्टडी तो बहुत कम मिलेगी आपको. ज्यादातर आप क्या पढ़ोगे? दैट इज द स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड. कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं. हमने यही पढ़ना है, स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंस. तो कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस इज ऑलवेज मेड अप ऑफ बेसिक फंडामेंटल यूनिट. एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है वो किसका बना हुआ होता है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट. हर सब्सटेंस की एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट. एवरी सब्सटेंस इज कंपोज ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट होती है. व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट क्या है?
फंडामेंटल यूनिट हम किसको कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट किसी भी सब्सटेंस का वो सिंपलेस्ट पार्ट होगा, द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। यू कैन से दैट फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया? द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का सिंपलेस्ट और सबसे जो छोटा पार्टिकल है दैट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस, वो उसकी क्या कहलाएगी? फंडामेंटल यूनिट। क्या कहलाएगी? फंडामेंटल, दैट इज द, यू कैन से द बेसिक यूनिट। लेट मान लो मैं आपको 1 kg ब्लॉक ऑफ आयरन दे दूं, 1 kg ब्लॉक ऑफ आयरन देकर के अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, आयरन की क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करके किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस टाइप का कंपाउंड प्रिपेयर करेगा, तो आप ये कह सकते हो कि अगर हमें इसकी फंडामेंटल यूनिट की नॉलेज है, उस ब्लॉक ऑफ आयरन की जो बल्क में लिया गया है, अगर हमें उसकी फंडामेंटल यूनिट की नॉलेज है तो हम उस आयरन के ब्लॉक की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते। ओके, तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब नेक्स्ट इसमें बेटा आता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज एटम। एलिमेंट की जो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम, एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। फंडामेंटल यूनिट एलिमेंट की क्या है? एटम। फंडामेंटल यूनिट कंपाउंड की हमारे पास क्या है? दैट इज मॉलिक्यूल, दैट इज मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एटम, एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यू कैन से दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है, दैट फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज एटम। अगर हम एटम का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर देखें, सिंपल स्ट्रक्चर बेटा बहुत ध्यान से देखना ऑफ एटम, अगर हम एटम का सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो आपने पढ़ा है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होती है, और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपने क्या पढ़ा है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, भी एटम में ऐसा कुछ सिस्टम है। हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, लेट मान लिया एक्स कोई हमारे पास एलिमेंट है, और इसके ऊपर हम लिख देते हैं ए और नीचे क्या लिखते हैं जेड। दिस ए इज नोन एज मास नंबर, ए को हम क्या कहते हैं? मास नंबर। वेयर दिस जेड इज नोन एज एटॉमिक नंबर। बहुत ध्यान से देखना, व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज नोन एज मास नंबर। इसको मास नंबर क्यों कहते हैं, मास क्यों कहते हैं, अभी आफ्टर सम टाइम हम बताएंगे कि हम मास एटम का कहां से निकालेंगे, फ्रॉम हियर। जेड इज द एटॉमिक नंबर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये किसके बराबर हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होंगे एटम में उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द बेसिक और द सिंपल दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आपको 3-4 बातें मैं लिख रहा हूं जो याद करनी है। नंबर वन, सबसे पहले मास ऑफ वन प्रोटोन, मास ऑफ वन प्रोटोन, एक प्रोटोन का मास हम कितना लेते हैं, दैट इज 1.67 × 10⁻⁶
27 kg, or you can write it 1.67 10 raised to power minus 24 gram, and this amount is known as, this is known as 1 AMU. अब ये AMU क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, आप फिलहाल याद रखो the mass of one proton is equal to 1.67 10 raised to power minus 27 kg या 1.67 10 raised to power minus 24 gram and this amount is known as 1 AMU. Second, mass of one neutron ये same होता बेटा 1.67 10 raised to power minus 24 gram or that is 1 AMU. देखो जो मास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वो लगभग सेम होता है, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा ज्यादा वेट होता है किससे, प्रोटॉन से, लेकिन यहाँ आपको उसकी जरूरत नहीं है ये चीजें, आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, वहां जरूरत होगी, फिलहाल आपको बस ये ध्यान रखना है कि मास ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग क्या है सेम, दैट इज 1.67 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24, न्यूट्रॉन जो होता है स्लाइटली हैवियर होता है किससे, प्रोटॉन से. थर्ड पॉइंट, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 10 रेज टू पावर माइनस 31 केजी, क्या होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 केजी. देखो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ द that is proton and neutron. So you can say that the mass of the electron is negligible as compared to the mass of the proton and neutron. अब हम बात करते हैं चार्ज, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट, चार्ज ऑन वन प्रोटोन दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बट द मैग्नीट्यूड इज सेम. एंड सिक्स्थ इज चार्ज ऑन वन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आपको अच्छे से पता है न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन क्या होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल, जीरो चार्ज होता है. ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक, हम क्या कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो आपको आती है मोस्टली बच्चों को, बट एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आगे आपको कोई दिक्कत इसमें ना आए. तो नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके ऊपर, इतना आपको बताने के बाद एटम जो होते हैं ना एटम, अब बहुत ध्यान से देखना इस चीज को आप, एटम इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास, हर एटम का आपने 9th, 10th में पढ़ा हुआ है, एटम जो है इट इज रिलेटेड टू एटॉमिक वेट, एटम्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक वेट. अब क्वेश्चन होता है व्हाट इज एटॉमिक वेट, बेटा इसको ध्यान से सुनना, एटॉमिक वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एटॉमिक वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. बहुत ध्यान से देखना, एटॉमिक वेट किससे रिलेटेड है, एटम से, एटम्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक वेट, यहां से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट एक रेशियो है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, तो उसके एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. ध्यान से देखना, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो दोनों मास से मास क्या हो गया कैंसिल, इट मींस एटॉमिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, एटॉमिक मास इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, एटॉमिक वेट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट
नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना लिखते हैं 60, हाइड्रोजन का कितना लिख दिया 1, सल्फर कितना हो गया 32, सोडियम कितना हो गया 23। ओके, तो इस टाइप से आपने देखा होगा एटॉमिक वेट के साथ कभी भी आपको यूनिट नहीं मिलेगी, एटॉमिक वेट के साथ कभी भी आपको यूनिट नहीं मिलेगी। एटॉमिक वेट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, पहली बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस टाइप से आपने देखा होगा जैसे आयरन का 56, नाइट्रोजन 14, लाइक दिस। ये क्या एटॉमिक वेट, दिस इज जस्ट नंबर, ये यूनिट लेस क्वांटिटी। अब क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एटॉमिक वेट, इस एटॉमिक वेट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक वेट। ध्यान से सुनना, सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक वेट, देखो बेटा विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक वेट, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक वेट वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। कैसे, ये जो टर्म मैंने लिखी हुई है 1/12, अब 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, इट इज नोन एज वन एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, वन एटॉमिक मास यूनिट, और यू कैन राइट इट लाइक दिस दैट इज AMU, यही आपके लिए क्या है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी वैल्यू अभी अभी बताई थी 1.67 × 10⁻²⁷। अभी आपको बताया था ना 1 AMU किसके बराबर हो गया 1.67 × 10⁻²⁷ केजी लिख सकते हैं, या फिर 1.67 × 10⁻²⁴। ये आपकी होती है दिस वैल्यू। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम हियर अगर मुझे निकालना है मास ऑफ वन एटम, बहुत ध्यान से देखना, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालूंगा, तो क्या करूं, एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एएमयू से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं एएमयू से, दैट इज नोन एज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। और वन एएमयू किसके बराबर होता है, इतने ग्राम। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगी, दैट इज ग्राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं मास ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU, और यू कैन राइट 16 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर, सल्फर के एक एटम का मास कितना हुआ, तो यू कैन राइट हियर 32 AMU, आप क्या लिखोगे 32 AMU, या 32 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो यहां से आपको यूनिट मिली किसके लिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब इस कंफ्यूजन में मत रहना, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एटॉमिक, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कई बच्चे कहेंगे 16 नहीं होगा बेटा, 16 इज द एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट तो क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, 16 AMU, क्या हो गया 16 AMU। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिफरेंस, मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिफरेंस 4 AMU ऑफ हीलियम एंड 4 एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, तो इसका ये 4 तो क्या है एटॉमिक वेट है इसका हीलियम का, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। व्हाट इज 4 AMU ऑफ हीलियम का मतलब है मास ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, दैट इज 4 AMU पीछे आ गया, तो ये क्या होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ये आपके लिए नई चीज आई है, मास ऑफ वन एटम जब भी निकालता है एलिमेंट का तो एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय AMU। जैसे एटम्स आर रिलेटेड विद एटॉमिक वेट, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड
विद मोलिकुलर वेट। अब हम आपको नेक्स्ट थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मोलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू मोलिकुलर वेट। मोलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू मोलिकुलर वेट। बहुत ध्यान से देखो, अच्छा लगेगा आपको एंड में। मोलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू मोलिकुलर वेट। आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू मास ऑफ वन मोलिक्यूल। मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट की फंडामेंटल यूनिट क्या बताई थी आपको? एटम। और कंपाउंड की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी आपकी? मोलिक्यूल। दैट इज मोलिकुलर वेट इज रिलेटेड टू मोलिक्यूल। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। आई थिंक आपको यहां तक सब समझ आ रहा होगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मोलिकुलर वेट इज ऑल्सो यूनिट लेस क्वांटिटी। मोलिकुलर वेट की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि मास और मास का एक रेशियो है। बट जैसे हम बात करें मोलिकुलर वेट ऑफ वॉटर, तो वॉटर का मोलिकुलर वेट कितना होगा बेटा? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, दैट इज 18 यूनिट लेस। मोलिकुलर वेट ऑफ मैं आपसे कहूँ अमोनिया, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3, दैट इज 17। मैं आपसे बात करूं H2SO4 मोलिकुलर वेट, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, दैट इज 98। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोलिकुलर वेट। ग्लूकोज C6H12O6 कितना आएगा? 12, 72 प्लस 12 प्लस 96, दैट इज 180। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मोलिकुलर वेट। सिमिलरली with the help of this molecular weight you can find out mass of one molecule of compound, mass of one molecule of compound, mass of one molecule of compound किसके बराबर हो जाएगा बेटा? molecular weight, molecular weight multiplied by amu, molecular weight multiplied by amu. what is this amu? तो जैसे अब मैं आपसे बात करूं मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ वॉटर, व्हाट इज, व्हाट यू हैव टू राइट, दैट इज 18 एमयू। क्या लिखोगे आप? 18 एमयू। और अगर ग्राम में पूछे तो अभी बताया था 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट दैट इज मास ऑफ वन मोलिक्यूल, मास ऑफ वन एटम। अगर मोलिकुलर वेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? एएमयू से, तो वो क्या आ जाएगा? मास ऑफ वन मोलिक्यूल। एटॉमिक वेट को अगर एएमयू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है आपका? मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एएन एंड एएल थ्री पॉजिटिव। बेसिक्स बातें हम कर रहे हैं। एल्यूमिनियम तुम्हें पता है 27, that is 13. मास नंबर क्या है? 27. एटॉमिक नंबर क्या है? 13. अब एल्यूमिनियम अगर 3 पॉजिटिव की हम बात करें तो मास नंबर क्या रहेगा? दैट इज 27 और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 13. दोनों के एटॉमिक नंबर क्या रहेंगे? 13. क्योंकि मैंने लिखा था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या लिखा था यहां पर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां पर क्या हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। क्या हुआ है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। कैटायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। देखो एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। प्रोटॉन कितने हैं? 13। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 27 माइनस 13, दैट इज 14। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के नंबर कितना हो गया? 10। प्रोटॉन कितने रहेंगे आपके? 13। न्यूट्रॉन कितने रहेंगे आपके? 14। तो इसका मतलब क्या है? सम ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो क्या है? सेम। तो मास नंबर दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो दिस रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर आयंस। मास ऑफ वन आयन इज इक्वल टू उसका मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाइड बाय एएमयू। आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एएमयू से। ओके, ये था आपका एटॉमिक वेट एंड
मोलिकुलर वेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन मोर, अगर मैं आपसे कहूं फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ, फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ, मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करो, CuSO4.5H2O, दिस इज नोन एज वॉटर ऑफ हाइड्रेशन, ये भी इसमें ऐड होंगे मोलिकुलर वेट में। ऐसा नहीं आप इसका फाइंड आउट करोगे, यू हैव टू ऐड दिस ऑल्सो। कॉपर का कितना होता है 63.5, सल्फर का कितना हो गया 32, ऑक्सीजन का 60, दैट इज 64 प्लस, वाटर मॉलिक्यूल का कितना वेट होता है 18, 5 वाटर मॉलिक्यूल 18 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 19, ये आपका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। ये जो आएगा दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट, एंड दिस इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछ लू वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस यूनिट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4.5H2O यूनिट, इस यूनिट का मॉलिक्यूलर मास एक का कितना हो, एक मॉलिक्यूल का कितना हो, वन यूनिट का कितना हो, तो आप क्या करोगे ये जो नंबर आएगा लेट मान लो इट इज एक्स, तो दैट इज एक्स इनटू एएम, तो आपको क्लियर हो गया होगा एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट की कोई यूनिट नहीं होती, बट इट इज इसका सिग्निफिकेंस यही है विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इसी को आगे डिस्क्राइब करेंगे और आपको बताएंगे हाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, जैसे मान लो लेट फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं वाटर मोलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये वाटर हमें क्या क्या बता रहा है, वाटर हमें बता रहा है मोलिक्यूलर वेट, इसका मोलिक्यूलर वेट बता देगा कितना हो गया दैट इज 18 ग्राम, नहीं लिखेंगे सिंपल 18, आप ये बता देगा व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज 18 amu, दैट इज 18 amu, ये हमें बता देगा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन इट, दैट इज 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज दिस, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट। आपके पास एक गिलास पानी है वो बल्क में है, उस बल्क का एक फंडामेंटल यूनिट दिस इज द मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे दैट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड हाउ आई कैन अप्लाई दिस मॉलिक्यूलर वेट एंड एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच।